दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैंसफील्ड पार्क। इसको लिखा था जेन ऑस्टन ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके ऊपर काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी है, कुछ टेलीविज़न सीरीज़ बन चुकी है। 1812 से 13 के बीच में इसको लिखा गया इंग्लैंड में और 1814 में इसको पब्लिश करवाया गया। सेटिंग इसकी रखी गई है मैंसफील्ड पार्क नाम की जगह इंग्लैंड में, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट। जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म। तो दोस्तों ये सब हो गए इसके की फैक्ट्स। अब हम लोग इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस नोवेल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस नोवेल के अंदर 48 चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है फैनी प्राइस नाम की एक लड़की से, जो इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। इसके पेरेंट्स का नाम है मिस्टर एंड मिसेस प्राइस, लेकिन फिलहाल ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं रहती, बल्कि अपने मौसी और मौसा यानी कि अंकल आंट लेडी बार्ट्रम और सर थॉमस बार्ट्रम के साथ में रहती है मैंसफील्ड पार्क नाम की जगह पर। जब ये अपनी टीनेज में थी, जब ये लड़की बच्ची थी, तभी इसको इसके अंकल आंटी के पास रहने के लिए भेज दिया गया था मैंसफील्ड पार्क में। इसका रीज़न ये था कि इसके पेरेंट्स इसको पाल नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत गरीब हैं, खासकर कि इसकी माँ मिसेस प्राइस, ये बहुत ही गरीब लेडी है और गलती से इन्होंने एक नेवी ऑफिसर मिस्टर प्राइस से शादी कर ली थी, जिसके बाद इनके बहुत सारे बच्चे हो गए। फैनी भी उनमें से एक है, तो फैनी इनमें सबसे बड़ी लड़की थी। तो मिसेस प्राइस से इतने सारे बच्चे संभल नहीं रहे थे गरीबी के कारण, तो इसने क्या किया, अपनी बहनों के पास रहने के लिए फैनी को भेज दिया। ये लेडी बार्ट्रम तो फैनी की मौसी है ही, लेकिन एक और मौसी है इसकी, मिसेस नॉरिस, जिसका रोल आगे आएगा। फिलहाल के लिए फैनी अपने मौसा मौसी यानी अंकल आंट के पास में रह रही है मैंसफील्ड पार्क में। फैनी के अंकल आंटी यानी कि मौसा मौसी के भी चार बच्चे हैं। इन चार बच्चों में दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं। लड़कों के नाम है टॉम और एडमंड और लड़कियों के नाम है मारिया और जूलिया। तो अपने इन चारों कजन्स के साथ में फैनी मैंसफील्ड पार्क में बड़ी हो रही थी। जब शुरुआत में मैंसफील्ड पार्क आई थी फैनी तो बड़ा अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि इस बेचारी को इतनी सारी लग्जरीज की आदत नहीं थी। ये घर जाना चाहती थी अपने भाई विलियम के पास में। विलियम इसका सगा भाई था, बड़ा भाई था, जिसको ये मिस कर रही थी, अपने घर को मिस कर रही थी। अपने भाई विलियम से बड़ा क्लोज थी ये फैनी। तो जब ये शुरुआती टाइम में अपने शुरुआती साल मैंसफील्ड पार्क में गुजार रही थी, तो इसको बड़ा नेगलेक्ट किया जाता था, अनदेखा किया जाता था। खास करके इसकी दूसरी मौसी मिसेस नॉरिस बहुत ही दिखावटी औरत थी, बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी इसके साथ में, यहाँ तक कि इसके साथ में गाली गलौज भी करती थी। लेकिन इन सब के बीच में इसका ये जो कज़न है एडमंड, यही था जो इसको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता था। एक अच्छा दोस्त भी था मैंसफील्ड पार्क में इसका, और बहुत सपोर्ट करता था इसको। लेकिन धीरे धीरे फैनी इस माहौल में ढलती गई, इस लाइफस्टाइल की, इसको फील हो रहा था कि मुझे इस लाइफस्टाइल की आदत पड़ती जा रही है। दोस्तों इस पूरी फैमिली, जिस फैमिली के साथ ये रह रही थी, सबको इस फैमिली में दिखावा करने की आदत थी, सिवाय एक आदमी को छोड़ के, वो थी लेडी बर्ट्रम, इसकी आंट लेडी बर्ट्रम। बहुत ही आलसी महिला है ये। अब इसकी पूरी फैमिली में सारे के सारे बाहर चले जाते थे, तो घर में ये अकेली अपनी आंट लेडी बर्ट्रम के साथ में रहती थी। ज़्यादातर टाइम लेडी बर्ट्रम के साथ में गुजारती थी, क्योंकि लेडी बर्ट्रम को दिखावा करना पसंद नहीं है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, इवेंचुअली इसकी जो दूसरी मौसी है ये मिसेस नॉरिस, इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मिस्टर नॉरिस की डेथ हो जाती है। और ये मिस्टर नॉरिस थे बहुत ही जाने पहचाने आदमी, बहुत ही फेमस आदमी, यानी कि एक प्रीचर थे। तो अब इनकी जगह प्रीचर कौन बनेगा? एक डॉक्टर ग्रांट और मिसेस ग्रांट करके दो हस्बैंड वाइफ इस मैंसफील्ड पार्क में आए, तो डॉक्टर ग्रांट इसकी जगह प्रीचर बने मिस्टर नॉरिस की जगह। अब दोस्तों चलते हैं सर थॉमस पे। सर थॉमस अपने बड़े और लापरवाह बेटे टॉम के बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों सर थॉमस अपने बेटे टॉम से बड़ा परेशान है। एक ही लायक बंदा था जो इनकी प्रॉपर्टी संभाल सकता था, वो था एडमंड। एडमंड बहुत ही लायक था, लेकिन उस टाइम के रूल के हिसाब से छोटे बेटे को कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अब बता रहा हूँ कि ये टॉम एडमंड से बड़ा है उम्र में, और दुनिया भर की जितनी भी गंदी आदतें हो सकती है वो इस टॉम में है। ये शराबी है, जुआरी है, नालायक है, और इसके ऊपर दुनिया भर का कर्जा है। लेकिन फिर भी टॉम को फॉर्च्यून मिल गया। लेकिन इसने सबसे पहले क्या किया, फॉर्च्यून मिलते ही अपने कर्जे उतारने के लिए, कर्जे चुकाने के लिए थोड़ा फॉर्च्यून साइड में रखा। तो ये बिजनेस के लिए
एंटीगुआ नाम की जगह पर जा रहे थे, तो ये सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे टॉम पर नज़र कौन रखेगा, तो ये अपने बेटे को भी साथ में लेकर के गए, टॉम को भी। इनके जाने से पहले इनकी जो बेटी है मारिया, ये एक स्ट्यूपिड आदमी रशवर्थ के साथ में रशवर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गई। ये रशवर्थ बड़ा पैसे वाला आदमी है और पैसे की वजह से ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है मारिया, और इन दोनों का प्यार शुरू हो गया। तो ये रशवर्थ मारिया से उसका हाथ मांगता है, तो वो और उसके फादर सर थॉमस मान जाते हैं, लेकिन शर्त ये थी सर थॉमस की कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा, लेकिन मैं वेस्ट इंडीज़ जा रहा हूँ बिज़नेस के सिलसिले में, तब तक तुम वेट करो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक शादी मत करना, मैं आकर के तुम दोनों की शादी करवाऊँगा। अब दोस्तों गर्मियों की छुट्टियाँ आई, ये दोस्तों मिस्टर एंड मिसेस ग्रांट का भी रोल है। ये जो मिसेस ग्रांट है इसके दो सौतेले भाई बहन हैं, हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं। भाई का नाम है हेनरी और बहन का नाम है मैरी। ये दोनों भाई बहन अपनी बहन के पास रहने के लिए आए, मिसेस ग्रांट के पास रहने के लिए आए। दोस्तों ये दोनों भाई बहन मैरी और हेनरी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, खूबसूरत और चार्मिंग थे, तो ये दोनों भाई बहन आते ही इन लोगों के दोस्त बन गए, बर्ट्रम्स के दोस्त बन गए। टॉम अपने फादर के साथ में वेस्ट इंडीज गया था दोस्तों बिजनेस के सिलसिले में, वो वापस आ गया वेस्ट इंडीज से क्योंकि उसको जचा नहीं काम, तो ये वापस आ गया, लेकिन इसके फादर वापस नहीं आए, फादर बाद में आएंगे, मिस्टर थॉमस, सर थॉमस जो हैं ये बाद में आएंगे। अब दोस्तों ये लड़का हेनरी जो है ये इन दोनों बहनों जूलिया और मारिया दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगा, ये बात जानते हुए भी कि मारिया की इंगेजमेंट हो चुकी है। अब दोस्तों इस बीच क्या होता है, ये चारों भाई बहन और ये दोनों भाई बहन, ये छह जने और ये फैनी, इन सब ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि ये मिस्टर रशवर्थ के पास में ट्रिप पर जाएंगे। ये प्लान बनाया कि ये लोग मिस्टर रशवर्थ के पास में ट्रिप पर जाएंगे सब मिलकर के, छह सात जने ये, तो ये ट्रिप पर गए। तो वहाँ पर दोस्तों ये हेनरी मारिया के साथ फुल फ्लर्ट कर रहा था, जबकि जूलिया को इसने छोड़ दिया था, छोटी वाली बहन को छोड़ दिया था, लेकिन मारिया के साथ ये फुल फ्लर्ट कर रहा था, जबकि ये एडमंड जो है ये हेनरी की बहन मैरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब इस एडमंड को मैरी की तरफ जाता देख फैनी बड़ी अपसेट हो रही थी, फैनी को बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि फैनी सालों से जब से मैंसफील्ड पार्क में रह रही थी तब से लेकर के अब तक एडमंड ही इसका एक दोस्त था अच्छा खासा, तो ये इसको सिर्फ अपना कज़न नहीं मानती थी बल्कि उससे बढ़कर भी कुछ माना था इसने एडमंड को। तो अब दोस्तों इन सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि ये लोग एक प्ले खेलेंगे, प्ले परफॉर्म करेंगे, ड्रामा जिसको हम कहते हैं। तो इस पर एडमंड और फैनी ने मना कर दिया कि हम लोग तो नहीं खेलेंगे और आप लोग भी मत खेलो। एडमंड और फैनी मना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इस प्ले को, ये ड्रामा परफॉर्म करने के लिए, लेकिन बाकी सब ने एडमंड को जोर दिया कि एडमंड आना यार, तो एडमंड ने इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। फैनी बेचारी बाहर अकेली रह गई, ये इन लोगों के साथ प्ले परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हेनरी मारिया पर डोरे डाल रहा था, तो ये तो मारिया को फ्लर्ट कर ही रहा था, इसकी बहन मैरी जो है उसको एडमंड पसंद करने लगा था, ये एडमंड मैरी को पसंद करने लगा था। अब फैनी को इस बात से बड़ी जेलसी हो रही थी, इसको बड़ा पेन हो रहा था जब वो एडमंड और मैरी को पास आते हुए देखती थी, लव सीन्स करते हुए देखती थी। मतलब एडमंड और मैरी तो आपस में लव सीन्स की प्रैक्टिस कर रहे थे प्ले के लिए, लेकिन यहाँ पे फैनी को बड़ा दुख हो रहा था इस बात से। अब प्ले की सारी तैयारियाँ हो गई थी, इन सब का मज़ा तब किरकिरा हुआ जब यहाँ पे सर थॉमस आ गए और इन सब को बहुत सुना, इन सब पे बड़ा गुस्सा हुए कि ये क्या थिएटर वगैरह लगा रखा है, बकवास, चलो बंद करो, इतना कहकर के इन लोगों का सारा मज़ा बिगाड़ दिया सर थॉमस ने। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मारिया की इंगेजमेंट हो चुकी है लेकिन फिर भी हेनरी इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। मारिया को अब सच में हेनरी से प्यार होने लगा था, वो कहना चाहती थी कि हेनरी तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन उसने ये अपना इरादा छोड़ दिया, उसका ये शादी करने का इरादा तो था लेकिन उसने छोड़ दिया पता नहीं क्यों, और वो उस इडियट रशवर्थ से शादी करने को तैयार हो गई। ठीक है, तो सर थॉमस ने भी अपनी बेटी की शादी रशवर्थ से करवा दी और ये अपनी दोनों बेटियों को रशवर्थ के साथ लंदन भेज दिया सर थॉमस ने, जूलिया को भी भेज दिया इसके साथ में। अब दोस्तों ये दोनों बहनें तो चली गई है, तो हेनरी अब किसके साथ फ्लर्ट करेगा, हेनरी तो पड़ गया अकेला, इसके पास कोई लड़की है नहीं, तो इसने डिसाइड किया कि ये फैनी को शेड्यूस करने की कोशिश करेगा। फैनी बेचारी सीधी साधी लड़की, वो इसके चक्करों में पड़ेगी क्या,
लेकिन पैनी से इसकी सिस्टर जो है मैरी, ये भी दोस्ती करना चाहती थी, बार बार इससे क्लोज होने की कोशिश करती थी, लेकिन पैनी ना तो मैरी को पसंद करती थी ना इसके भाई हेनरी को। पैनी बेचारी अभी भी एडमंड को ही पसंद करती है। फिलहाल वो मैरी और एडमंड के रोमांस के बीच में फंस, लेकिन फिर भी इसको ये चीज़ बड़ा दुख दे रही थी, लेकिन फिर भी ये एडमंड को ही पसंद करती थी अभी भी। वहाँ इस एडमंड को ये गलतफहमी थी कि मैरी इससे शादी करेगी, बल्कि मैरी तो सिर्फ इसका यूज़ कर रही थी, और ये इसे इसलिए भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये मामूली सा क्लर्जी मैन है। मैरी को क्लर्जी मैन बिल्कुल पसंद नहीं थे, मतलब पैसा वैसा इसके पास है नहीं, कुछ वेल्थ वगैरह है नहीं, तो इससे शादी क्यों करूं, ऐसा मैरी सोचती थी। इसकी बजाय मैं इसके बड़े भाई टॉम से शादी ना कर लूं। दोस्तों मैंने आपको बताया हेनरी के पास कोई भी लड़की नहीं थी, तो ये पैनी को ट्राई कर रहा था। ऐसे में पैनी का भाई विलियम इसके पास में आता है घूमने के लिए। विलियम दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में इंट्रोड्यूस करवाया था, विलियम इसका सगा भाई है पैनी का, तो इसके पास घूमने के लिए आता है। और दोस्तों विलियम नेवी के अंदर ऑफिसर है, तो हेनरी ने पैनी को बहुत ट्राई किया कि ये मान जाए, लेकिन पैनी नहीं मानी। हेनरी अब सचमुच पैनी को प्यार करने लगा था, ये नहीं मना पाया पैनी को, तो ये निराश होकर के वापस लंदन चला गया। लेकिन लंदन जाकर के इसने क्या किया, वहाँ कुछ इसके जान पहचान के थे, उनसे बात करके पैनी के भाई विलियम का इसने प्रमोशन करवा दिया, ताकि ये पैनी का किसी तरह से दिल जीत सके। ये करने के बाद एक बार फिर से इस हेनरी ने पैनी को प्रपोज मारा, लेकिन पैनी ने वापस रिजेक्ट कर दिया। ये सर थॉमस भी पैनी को बड़ा सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने पैनी को अपनी ही बेटी मानते हुए उन्होंने भी डिसअप्रूव कर दिया इस बात को। तो अब क्या होता है दोस्तों, इस पैनी को बड़ा टाइम हो गया था मैंसफील्ड पार्क में रहते रहते, एक बार भी ये अपने असली घर नहीं गई थी, तो कई सालों के बाद पहली बार ये अपने घर जाती है, असली वाले घर, अपने पेरेंट्स के घर पे, पॉट्समाउथ नाम की जगह पर इसके पेरेंट्स रहते हैं, इसकी फैमिली है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये पहली बार जाती है। मैंने आपको बताया इसको लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत लग गई थी, तो इसको वहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन सिर्फ ये अपनी छोटी बहन सुजन से बहुत क्लोज हो गई थी उस वक्त जब ये अपने घर पे गई थी। अब दोस्तों ये हेनरी पैनी का पीछा करते करते इससे मिलने के लिए इसके पेरेंट्स के घर तक पोर्ट्समाउथ आ गया ये हेनरी, और वहाँ आकर फिर से ये अपना वही प्रेम रोना रोने लगा इसके सामने, फिर से वही रोना रोया। इतना रिक्वेस्ट करेगा तो थोड़ा बहुत तो पैनी भी इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगी थी हेनरी की तरफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये हेनरी की बहन मैरी इस पैनी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो मैरी ने इस पैनी को कहा कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो, एनकरेज कर रही थी ये पैनी को। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, थोड़ा ही टाइम गुजरा था इस बात को, इस पैनी के पास अचानक एक खबर आई कि टॉम मरने की हालत में बीमार पड़ा है। ये टॉम जो है मरने की हालत में बीमार पड़ा है, तो इमिडिएटली क्या करती है ये, वापस मैंसफील्ड जाने की तैयारियां शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक अफवाह और सुनी इसने कि ये हेनरी जो है, हेनरी मारिया के साथ भाग गया है, मारिया जो कि शादी करके लंदन चली गई थी उसके साथ में ये हेनरी भाग गया है। मतलब यहाँ पर आकर के फैनी को झूठा प्यार दिखा रहा था अपना, ठीक है। अब ये जो छोटी बहन जूलिया जो थी दोस्तों, ये टॉम के एक दोस्त मिस्टर यीट्स के साथ भाग गई थी। मतलब घर की दोनों लड़कियां बेकार निकली, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक तो शादीशुदा होते हुए भी हेनरी के साथ भाग गई, दूसरी मिस्टर यीट्स के साथ भाग गई, तो दोनों लड़कियां बेकार निकली। इसके बाद फैनी अपनी सिस्टर सुजन को लेकर के वापस मैंसफील्ड आ गई। एडमंड को ये बात सुनकर के बड़ा धक्का लगा था कि मेरी शादीशुदा बहन मारिया को लेकर के ये मैरी का भाई हेनरी भाग गया है। तो ये आकर के मैरी से पूछता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि तुम्हारा भाई मेरी बहन मारिया को, मारिया के साथ अफेयर था उसका? तो ये मैरी बोलती है हाँ, और ये उन दोनों के भाग जाने का सपोर्ट भी करती है। इसके बाद एडमंड को इससे नफरत हो जाती है, मैरी से, इस मैरी से इतनी नफरत हो जाती है कि ये अपने सारे रिलेशनशिप इससे ख़त्म कर देता है मैरी से। दोस्तों ये मारिया शादीशुदा होने के बावजूद हेनरी के साथ भाग गई, लेकिन भागने के बाद भी ये खुश नहीं रही। यानी कि बाद में ना तो इसकी फैमिली ने इसको एक्सेप्ट किया, जबकि छोटी बहन जूलिया मिस्टर यीट्स के साथ भागी थी, वो तो शादीशुदा नहीं थी, खैर उसको तो इसकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर दिया, माफ़ भी कर दिया, अपना लिया जूलिया को वापस, लेकिन मारिया को किसी ने नहीं अपनाया सिवाय इसकी आंट मिसेज नॉरिस की। मारिया को इसकी आंट मिसेज नॉरिस ने ही बिगाड़ा था, और एंड में जाकर के सपोर्ट भी मिसेज नॉरिस ने ही किया, अपने साथ लेकर के चली गई इसकी आंट इसको, मिसेज नॉरिस,
जबकि ये मैरी जो है ये मिस्टर एंड मिसेस ग्रांट के साथ में मैंसफील्ड छोड़ करके लंदन चली गई। इसके बाद कुछ लोग हैप्पी थे इस कहानी की एंड में, तो कुछ लोग हैप्पी नहीं भी थे। एडमंड को पहली बार ऐसा लगा कि इसका असली प्यार फैनी है, तो एडमंड को फैनी से प्यार हो गया। इन दोनों ने शादी भी कर ली और शादी के बाद एक अच्छी लाइफ जीने लगे। और इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होती है दोस्तों।